संत पिटिया नानक मन प्रगास मूह गुजरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंत लगै बदरा सुनै जो काल कृपा कराए। गुरु नानक परशोत्तम परम परावरनाथ जुगल चरण वंदना तार कर तार परमाथ गुरु नानक सुख सिंध को हाथ जोर प्रणाम जिस कारण ते बढ़ पगी पाव है गात विश्राम। सतनाम श्री वाहिगुरु जियो श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्म त्रहै एक शब्द लिव लाए नवनिधि अठारह सिद्धि पिछै लगिया फिरहै जो हर हृदय सदा वसाए। ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्म त्रहै एक शब्द लिव लाए नवनिधि अठारह सिद्धि पिछै लगिया फिरहै जो हर हृदय सदा वसाए। बिन सतगुर नाव न पाइए बुझो कर विचार नानक पूरे भाग सतगुर मिले सुख पाए जो विचार। महला तीजा क्या गबरू क्या बिरद है मनु तृष्णा भुख न जाए। गुरमुख सबदे रतिया शीतल होए आप गवाए अंदर तृप्त संतोखिया फिर भुख न लगै आए। नानक जे गुरमुख रह सो प्रवान प्रवान है जो नाम रहे लिव लाए पौड़ी ओम बलिहारी तैनु कहो जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ध्याए दे तिन दर्शन पिखा। सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यो सब किर विखा तन तन सुहावा सो शरीर थान है जिथे मेरा गुर तरे पिखा। हर नाम सलाही रंग स्यो सब किर विखा तन तन सुहावा सो शरीर थान है जिथे मेरा गुर तरे विखा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम पवित्र सतगुरां दी साजी नवाजी श्री आनंदपुर साहब होला महला ये पवित्र त्यौहार मनाउण आई हुई समूह साध संगत जीओ सतगुरु जी ने महान बख्शिश कृपालता कर दिया हुआ इस पवित्र स्थान ते जो आनंदपुर साहब जी की पावन धरती है। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी ने इस नगर नूं बसाउणा कीता। सत्कार योग श्री माता नानकी जी के नाम से इहदा नामकरण किया गया। बाद विच इसे नगर नूं श्री आनंदपुर साहब के नाम नाल अज जाणिया जाता है। और धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी ने बेअंत जोज किए इसे नगर च आए हुए कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुन के उन्होंने धर्म की रक्षा ले दिल्ली चांदनी चौक शहीदी दी। उस पवित्र स्थान पर जो गुरद्वारा साहब सुभावान है उसका नाम शीसगंज है और इतने महाराज के शीस का संस्कार होया। उस गुरद्वारे साहब का नाम भी शीसगंज है और जिथे महाराज के पावन तट का संस्कार दिल्ली होया भाई लखी शाह ने सेवा नवाई उसका ना रुकाव बन गया।
सील की सेवा भाई जैता जीवन सिंह जी ने की, महाराज ने उन्होंने भी बख्शिया की। फिर दसवें पातशाह जी ने किसी नगर में भाग लाए, सिखी की परख की, पांच गुर सिख जड़े शीस भेट करके कसवटी के पूरे उतरे, उन्होंने पंजा प्यार का खिताब मिलया। उस तो बाद फिर बेअंत गुर सिखा ने खंडे वाटे अमर की दात लैके और पंथ में शामिल हो के गुरु महाराज की महान खुशियां प्राप्त की। और पहले समय में होली का जड़ा त्यौहार मनाया जाता सी, क्योंकि जो हरणकश से हरनाक्ष इन्हों के वर्ग भगत प्रहलाद जी आए, ये अपने आप में रब समझ ही बैठे से, परमात्मा का नाम नहीं सी लैन देंगे। और परमेश्वर की लीला ऐसी है, उन्होंने घर से ही भगत जी ने भेज दिता, वो हर वेले राम राम की रट आप भी तो बाकी बच्चों भी लवाते हैं। बहुत तरह के डरावे पानी में रोड़िया अग में तत्ते थम्मे मिलाने की कोशिश की, सप्पां टुनियां के कमर च डराने वास्ते बड़े यतन किए, पर महाराज उन्होंने रख्या करते रहे। फिरी की भूआ होलका सी, उन्होंने अग देवते का मंत्र सिद्ध किया, उसमें अग प्रूफ वस्त्र मिलया। कहन लगी मैं इन्हू डराउंदी हूँ, अग का भांबड़ मचा के बह गई कि मेरे ते कपड़ा आना सेक नहीं लगना। वो परमेश्वर की नीयत ऐसी हुई, तेज हवा के वो चादर प्रहलाद से पै गई, फिर सड़ के सुहा बन गई। वो फिर देवत्या ने फिर राक्षणी मरी है खुशी की, जग हवन किए, पूजा पाठ किए और बड़ा त्यौहार मनाया। और कुछ समय तो बाद फिर जिमें दो ग्रुप बन के होली खेलनी, उन्होंने गुलाब पत्र सरंधी वाली चीज़ा छिड़कनी। और इस तरह फिर देवत्या की जित हुई है। और उस समय तो बाद जो त्यौहार से उसकी रूपरेखा बिगड़ गई, फिर एक दूए से रंग भी गंद मंद भी घोल के पाउन लग पे। और फिर लड़ाई झगड़े फसाद के कारण बनने शुरू हो गया, क्योंकि रिश्तेदार जवाई भाई आया हो उन्होंने फड़ के कपड़े रंग दो या रंग उत्ते डोल दो, वो बेचारा ना अगे जान जोगा ना पिछे। इस तरह देर भरजाइया दे इस तरह वो गंद कोल कोल के पाने यह त्यौहार जोड़ा सी बिगड़ गया। और इधर दोनों सूबे से जाओ तो रेल दे जा के शीशे बंद कर दे भंतन दे, और बड़ा शहरां च भी है कई ने मूँह सिर सारा जी रंगया हों जी होली बनाई है, और घर भी इस तरह के रंग लभ खड़बे जाए। महाराज ने जल्द देखा फिर तो यदा इतिहास कुछ होर सी, तो बन गया कुछ होर के महाराज ने इस पुरब न सुधारन वास्ते कवि दरबार टाडी दरबार संत समागम शस्त्र अस्त्र विद्या का अभ्यास ये शुरू कराया। और सूरमें योध्या दियाँ 12 प्रसंग वगैरह गुरबाणी की कथा नाम बाणी का अभ्यास
और फिर दो फौजा बना के उन्होंने युद्ध जंग करवा जितों इनाम देने और बहुत कौतक महाराज करने करवा अपने नेड़े आ गुरद्वारा होलगढ़ इहदा नाम होलगढ़ तां ही इत्थे फेरे होले का त्यौहार मनाया जाता सी। केसगढ़ तो संगतां ने कीर्तन करदिया चलना और फिर इत्थे आके माता अजीत कौर दे स्थान ते वो सारा संपूर्ण खुले मैदान जाके घोड़िया दियां दौड़ां शस्त्र विद्या का अभ्यास महाराज ने आप अपने दीवान विच फिर आके प्रवचना की बरखा करनी। सो ये जिहड़ा त्यौहार सी वेद ते इतों गंध घोल घोल पाते ज्यादातर सुगंधी वाली चीज़ा छिड़कनियाँ ऐसा सी। अज भी वो परंपरा चलती आ रही है ते तख्त श्री केसगढ़ साहब तो अरदास करके आरंभ हो के सिंह साहब पंज प्यारे सिख पांदियां सारिया जथेबंदियां जड़ियां वो फिर इस तरह ही यात्रा करते और घोड़सवार शस्त्र विद्या का अभ्यास होलगढ़ माता जी के स्थान पर फिर ये सुपन्नता की अरदास करके फिर चरण गंगा च जाके वो फिर जो होला मोहला खेडते हैं शस्त्र विद्या का अभ्यास करते हैं उदों फिर संगत दर्शन कर दें ये खालसे का जाहो जलाल देख के तो खालसे ही फिर महाराज ने जानी प्रतख दर्शन समझते हैं बड़ा पुन करम समझते हैं कि अज होले महल्ले सारी संगत के दर्शन दार हुए। सो ये त्यौहार मनाने वास्ते आते इस तरह अज भी बहुत तरह के है रंग पाना किसी की अख पै गया ड्राइवर गड्डी चलाउंदा गड्डी कतान च डिग सकती है एक्सीडेंट वगैरह या होर शरारती ढंग ना करना वो गलत है क्योंकि नगर कीर्तन बाणी पढ़ दें यात्रा करते हैं भी नाम अभ्यास करते हैं जन सेवा जन सिमरन जन सत्संग और बड़े पै अदब रह के सारे स्थानों की श्री आनंदपुर साहब और कीरतपुर साहब गुरु के लाहौर पगौर साहब भी कई चले जाते यात्रा जड़िया संगत जड़े जड़े रूट आदि उधर उधर जोड़े महाराज इतिहासिक स्थान यात्रा करते होंगे आप सारा किरिया जी वो आदि सरकार ऐतकी तो सरकार ने भी कही सवारियां दो दिन बाद ना बैठो और इस तरह जोड़े हूटर जहाँ बजाने वो भी लेख उत्ते काफ़ी फर्क भी देखने मिलया है। तो लंगर च भी सोच पवित्रता के नाल इनान पानी करके बाणी पढ़ने लंगर तैयार करना और इस तरह झूठ झूठ तो बचना तैयार भी मैं करना बरतौन वेले भी बड़े आदम सत्कार नाल पंगत विच कथा कीर्तन भी संगत दे विच बड़े नियम दे नाल जो महाराज ने विधि विधान बनाया उहदे मुताबक यात्रा करिए तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है फिर तो लाभ है जे नाम बाणी सेवा सुन करिए तेरे नावन जले तीर्थी मन खोटे तन चोर एक पालथी नात्या दो पाल चढ़ी सो बाहर धोती तो तूंबड़ी अंदर बिसन कबीर साहब धर्मदास उन्होंने चेहरा कहना महाराज संगत यात्रा में जाती मैं भी जाया कहते तू आराम भजन कर
ਬਹੁਤਾ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਜਨ 'ਚੋਂ ਬਿਰਤੀ ਉਖੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਅਚਾਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਆ ਸਾਡੀ ਤੂੰਬੀ ਲੈ ਲਾ, ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕਦੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਵਾਈ ਜਾਏ। ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰਬੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹ ਵਰਤਾ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਾਉਣ ਉਹ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਥੂ ਥੂ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੌੜੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਤੀਰਥ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਅੱਠ ਸਰ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ ਕੌਰਾਪਨ ਧੌਣ ਦਿਓ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰਬੀ ਹੈ ਨਾ ਠਾਰ ਤੀਰਥ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੌੜਾਪਨ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੋਧ ਸੋਧ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਆਈਏ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮਾ ਆਈਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਟਾ ਫੱਕਿਆ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਵੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਦੀਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਘੁੰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸੇਵਾ 'ਚ ਧਿਆਨ ਸਮਝ ਵਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹ ਲੈ ਚੱਲੇ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਤੀਰਥ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪਈ। ਫਿਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਸਾਰ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਪ, ਦਇਆ ਬਾਲ ਬੁੱਢੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਦਾਨ ਲੋੜਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਦਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਮਦਾਨ ਤਪ ਨਾ ਖੇਮਾ ਸਮਝਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਬਖਸ਼ਣਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਹਰ ਦਾਨ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੇਮੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨਮੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣੀ, ਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਹੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
कथा करते होंगे। कहन लगे महाराज जो मैं झाड़ू देन लगा संगत मैं झाड़ू नहीं देन देंगे, भांडे मांजदा भांडे नहीं मांजन देंगे, होर सेवा करदा कर नहीं देंगे, मेरा भला किवें होएगा। महाराज कहन लगे तू विद्वान है, संगत नूं परमात्मा संबंधी कथा सुना, तेरी कथा सुन के बेअंत ही सेवा वाले पैदा हो जाएंगे, बेअंत ही भले पाए लग जाएंगे, तेरा तो बहुत बड़ा पुन हो जाएगा। सो इस वास्ते किसी नूं प्रेर के संगत नाल जोड़ना, गुरु महाराज नाल जोड़ना, नाम बाणी नाल जोड़ना, ये बहुत वड्डा परोपकार, ये बड़ा भारी पुन है। सो इस वास्ते साल पिछों ये देने होना, ये त्यौहार महाराज को बंडे हुए, जिवें हुण महाराज का अवतार पुरब पहला श्री ननकाना साहब हुंदा सी, हुण सुल्तानपुर लोधी गुरद्वारा बेर साहब संगत मनाउंदी है, इस तरह ही पंजवें पातशाह का डेरा साहब लाहौर, हूँ पाकिस्तान स्थान रह गया इधर, तो गोइंदवाल साहब भाई पारो की बेन विसाखी का त्यौहार आरंभ किया, दुआबे वाले करतारपुर पंजवें पातशाह, तो श्री तरन तारण अमृतसर साहब चौदे तरन तारण अमावस श्री अमृतसर दरबार साहब, अथवा दिवाली का त्यौहार विशेष करके श्री अमृतसर साहब, और विसाखी भावें मारे खालसा इतने साजिया इतने भी, पर विशेष तौर पर दमदमा साहब साबू की तलवंडी माघी मुक्तसर है, और इस तरह होला महला जरा श्री आनंदपुर साहब, बसंत पंचमी गुरु के लाहौर है जो दुख निवारण पटियाले, और इस तरह फिर दशहरा चमकौर साहब ज हजूर साहब मनाते, महाराज अब जो हजूर साहब नहीं जा सकते ना, वो तीन दशहरे चमकौर साहब कर लन तो उन्होंने उत्थे का फल मिल जाए, बचन है महाराज। इस तरह महाराज गुरु तग दी का जड़ा पहला प्रकाश दरबार साहब है, गुरु तग दी हजूर साहब और महाराज ज्योति जो समाण का, इस तरह जड़े जी सभा है वह फतेहगढ़ साहब की, सारे बड़ा सिखा का जड़ा मेला वो श्री आनंदपुर साहब का होला महला, सब नो पब्लिक इतने आँगी है, ये तो दूए नंबर पर फतेहगढ़ साहब साहबजादे बाबा जोरा में बाबा फतेह सिंह, इस तरह बाकी त्यौहार भी है, पर जड़े मेन मेन आ जड़े आम संगत बहुत मनाउंदी दे संप्रदेशां महाराज के इतिहासक स्थानों पर, ये सारे त्यौहार है। तो श्री आनंदपुर साहब के हिस्से च होला महला आया, ये भी संगत सारे पंथ दियां जथेबंदियां तकरीबन इत्थे पहुँचदियां, और लंगर का कोई हिसाब ही नहीं, रास्ते किन्ने क्या इत्थे किन्ने क लगे हुए है, वो महाराज की अपनी देन आ, उन्हां दी मेहर है, उन्हां दी कृपा, संगतां भी बेअंत आ, सेवा वाले भी बेअंत आ, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात आ, ये महाराज की अपनी कला अपनी बंदगी, तो लंगरां दी महाराज ने परख भी की सी, सारे डींगा मारिया कर साडा जी लंगर बहुत वधिया चलदा, मारे गए देखिए तो सही, मारे ने भेस बदल के ना, तो शाम रह रात जल्द थोड़ा जहा नेरा जहा हो जाता, पर करन तुर पे हाथ चिप्पी फड़ ली कखाए वास्तव पा लिया, या ओम नमो नारायण प्रचादा राम दिले जान क
कहते हम टाइम है तू आ गया पहला ना आया दूए देगा है तू हटा कटा आप कमा के नहीं खा सकता ती जगह गए कहते ना बेलट रुकों तो कम ही है ये सार देंदे थके टूटे हैं ये आराम भी नहीं कर देंगे अगे गए ठहर जा चोबरा तेन हमने ताजे पूड़े बना के खिलाने जिथे जान बस जल अगे गए भाई नंद लाल जी जड़े बवंजा कविया को लंगर तैयार करते कहते महाराज हाजर का मेला जान दसो कहते जो हाजर जो इसलिए तैयार सी बाटे दला पाया प्रचादा लिया आ गए तो सवेरे दवान जल्द लाया महाराज कहते भी जिन्हों के वधिया लंगर चलते ना उन्होंने गुरु नानक साहब घरों अज सत्कार सन्मान मिलेगा सुरोपे मिलने बस जी एक दूसरे मोहरे कि मैं पहला मिलो तो जिले कहा महाराज कहते भी गल ये है हूँ तो सारे सुरोपे लैन मोहर दौड़ते हैं रात अं गए भी तू आ बोलिया है तू ये बोलिया है कहते एक आनंद ला लिया जिदा लंगर इस तरह आनंदपुर साहब भी एक बारी अंग्रेज परख ले आया पहली गल है उदों गोरिया का राज जिहड़ा शहीदी बाग है ना निहंगा सिंघा का इत्थे जिहड़े उस वेले गुरमुख होए बाबा गुरमुख सिंह साधु सिंह मंगल सिंह होए उन्हीं कहा मारा हाजर का मेला जां कहिंदे कहिंदे ही सारे घूमे एक ही पास हुए उन्होंने फिर जमीन भी जगीर ला गया शहीदी बाग में इस तरह मतलब ये है कि गुरु महाराज की खुशी लैन वास्ते सारे काम है सेवा भी है सिमरन भी है सत्संग भी है लंगर भी है वो गल ना हो ना जिस तरह महाराज गुरु हर राय साहब के सेवक से भाई गुदड़ जी वो उन्होंने जी घरद फड़ के ला लिया सरों पटन कहते की कर दें कहते नहीं जड़ा पुटदा फिर वो सेवा से ला लिया वो घर वाली हो जाए सी प्रशादे खुले ना छक जाए वो मिर्चा चंगिया पाते घट पावे कहते तेन सप्प ना लड़िया वो सप्प लड़ के मर गए इतिहास गल सो इस वास्ते मैं जड़ा है सेवा करनी है पूरी विवेक बुद्धि सोच पवित्रता भी बाणी पढ़ दें इं ये लंगर का भोग दसां पातशाह शहीद अमृतों नूं लाउणा भै रख के आदि उन्हें फिर तो है ठीक तो हूँ अजक आम लंगर सड़कों पर बहुत जगह लाते हैं इधर ध्यान बड़ा घट रखते हैं ये है भी जिमें होटलों से रोटी पानी मिल जाती मिल तो जाती है पर सोच पवित्रता वाली गल जी है वो तकरीबन कित कि आम बहुत घट घटा गई है क्योंकि जो घर भी आप ही है ब्याह शादियों भी इवें हैं तो बहरे बुरे बनाते हैं तो बस वो मेच लाते हैं वो खड़ के डोंगे रखे है बस वो पशु बिरती हुई है कोई सोच पवित्रताला जा पैरी जुतियां पाई नंगे सिर है आ वो कर दे एक दो टीचर कर दे छकते छुपाते हैं वो मर्यादा तकरीबन बहुत बिगड़ी हो नज़र आती है और जिथे कोई है संजम विवेक उठे हूँ कई सेवा होंगे वो मौके पर मेले तो आते उन्होंने पता ही नहीं होंगे वो बेखुली जी क्रिया बना लें जोड़ा रोज़ संगत करता घर च भी रखता संगत चाहता जाता
उन्हों का फिर थोड़ा ज्ञान हो जाता, वरतौन का भी ढंग है, खाण खिलाउन का भी ढंग होता, हर चीज़ जिहड़ी है उहदे पिछे बड़ी सूझबूझ की जिहड़ी है वो लोड़ पैंदी है। इस वास्ते कोई भी काम आ जदों असीं मर्यादा विच नियम विच रह के करांगे उहदा स्वाद उहदा फल वखरा ही है। ते जिले फिर आपां अगड़ दौड़ा जिहा काम करदे हां उस बहुता रस नहीं पैदा इस करके ये सारा है। तो महाराज ने शब्द भी तीजे पातशाह विचार जड़ी है वह कृपा कर दे। श्लोक महला तीजा, ये बार चलती है। महाराज स्वतंत्र है, ये संथ्या नहीं ना की, जड़े गुजे भेद आ उन्हों का पता नहीं लगता। हूँ जिमें इतने श्लोक ये दोहरे की शकल का छंद होंदा, इतने हूँ ममा खरपा के मोहरे दो बसरगां बिंदियां पा दतियां, हा ते लल्ले नूं कन्ना नहीं पाया। जे तां हूँ संथ्या संप्रदाय महापुरश कीती होवे तां ज्ञान है, तो जिहड़ा दूआ उहनूं नहीं पता तां इहनूं किवें बुलाउणा। इहनां नूं बसरगां कहिंदे आ, इत्थे बोलना महला ही है। देखो जना उन्हें दो बिंदियां पा दो, इन्हू बसरगां कहिंदे। कई जगह यह हाहे की आवाज़ में भी बोल दियां, जिमें तिरनंतन है उत्थे बिंदियां होंदियां। तो जिमें बाबा दीप सिंह ने भाई मनी सिंह के सरूप तो अतारा किया, और जिहड़ी बेल जां हाशिया है कई भी लिखदियां जिहड़ा अखर सी कन्ना आ गया, वो हुण शब्द बेल दे अंदर पूरा हो गया, कन्ना पै नहीं सकदा। उन्हें फिर हाशिए तो बाहर न उत्थे बिंदी पाती है, उहदा मतलब है कन्ना बोलो। उन्हूं उन्होंने लाइन नूं तुक जिहड़ी सी उहदी रूपरेखा नूं बिगाड़िया नहीं, वो एन निजम च रखी है। तो वो फिर उदा ए अब इनू तुसी कन्ना बुला लो। सो इस वास्ते इत्थे हुण महाराज मौज दे मालिक है, उन्होंने कह नहीं सकते ये किवें कीता, ये उन्हां दी मौज। इहदे च भी उन्होंने निजम रखिया, काव्य दे निजम आ, पिंगल दे आ, संगीत दे आ, हर तरह दे हैगे आ, हाँ जी। बहुत यह सियाणपना पढ़नगे तो इन्हों पता लग जू इहदा निजम की है। अगे तीसरा अंक गुरमुखी का पाया, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब सारे अखर जड़े ना गणित दे आ गुरमुखी दे वरते, बिक्रमी संत वरते, दसम ग्रंथ च भी ते गुरु ग्रंथ साहब दे विच भी। इस वास्ते इत्थे गुरमुखी का तीन अंक पाया, इहनूं हुण त्रै नहीं पढ़ना, तीन नहीं पढ़ना, हाँ जी। जिहड़ा निजम आ श्लोक महला तीजा, कई जगह दो जार लिखा ना, अंक च भी पाया गुरमुखी च पाया। वह गुरमुखी तां पाया कि इहदे बुलाउण दा ढंग त्रै जां तीन नहीं, तीजा हुआ। जिवें श्री राग विच श्री राग महला पहला गुरमुखी च ले गया, ये हाँ जी जड़ा महला जां दूजा तीजा नहीं बोलना, महला पहला। जे महला हुंदा फिर पहली होना, ये पहला ना सुन पलेंगे। इस वास्ते हुण कई अपने हाथ सुना हो महला बुलाई जांदे, पर जे महला हुंदा फिर पहली पाउंदे, पहला नहीं सी होना। सो इस करके वो जड़े निजम आ ना ये फिर समझ ता ही आते जे आ तो अंतिम निजम पूर्वक संथ्या की जाए।
तीसरे सतगुरु जी कृपा कर दे। कई जगह हूँ देखो उत्ते होड़ा भी हुंदा है, थले ओंकड़ भी हुंदा है, वो भी मीडियम आवाज बोलना दरम्याने विच। कला होड़ा हाँ जी ते ओ होड़े दी है थले ओंकड़िया उन्हूं लघु किया उहदी जिहड़ी आवाज है वो अपने विचारली आवाज बोलनी। ये निजम है गया ब्रह्म बिंद तिसदा ब्रह्मत रह। कहिंदे जिहड़ा ब्रह्म हुंदा जिहड़ा विस्तार विच फैलिया होवे उहनूं ब्रह्म कह दिंदे, विराट कह दिंदे, सारे व्यापक रूप वो ब्रह्म है। उहनूं जिहड़ा बिंदे मैंने जानण वाला तिसदा ब्रह्मत रह, उहदा ब्रह्म पुणा रहिंदा। तो जिन रब नूं जाणिया पछाणिया ही नहीं, गलां जिन्नियां मर्जी करी जाए उहदा तां नहीं ना रहेगा। वो तो जो कसवटी लगी उहदा वो ब्रह्म पुणा नहीं रहना। पंज प्यारिआं दी कसवटी लगी, चार साहिबजादे मुक्तियां ते लगी, भाई मनी सिंह, तारू सिंह, सुवेग सिंह, सुभाष सिंह, मतीदास, सतीदास, बंदा बहादुर कसवटियां लगियां, इन्ने संकट विच भी उन्हां दा ब्रह्म पुणा जिहड़ा सी ओह खत्म नहीं। नहीं तो डोल जांदे, ईन मन लैंदे, धर्म तब्दील कर लैंदे, माया भी मिल जांदी, दुनियावी कोई पदवी भी मिल जांदी, पर जिहड़ा उन्हां दा ब्रह्म पुणा सी ओह खत्म हो जाणा, कलंकी हो जाणा। ये सबक धन गुरु अर्जन साहब नौवें पातशाह आप पढ़ा कर ऐं कर, चाहे तो सबर का जबर ना मुकाबला करके जां खंडे ना खंडा खड़का के दोए ढंग। इस वास्ते कहिंदे उन्हां दा जिहड़ा ब्रह्म आला मत तां कहम रहूगा, नहीं तो फिर बंदा जिहड़ी कसवटी लगती है ना वो फिर हिल जाता। हुण अजीत सिंह जिहड़ा पालक पुत्र सी ते महाराज ने कहा भी तू ना कर, ते माता सुंदर कौर जी साहबजादे बाबा अजीत सिंह शहीद हो गया, शकल सूरज सोहनी सी, वो पालिया पालक पुत्र, सारे बहुत सत्कार प्यार करते, वो भी गांह बहुत बढ़ गए। वो मसीत सी जामा मस्जिद, उहदे चेले कहिंदे आ मसीत देखो साडे गुरु जी नूं मत्था टेक दे, वो काजी नूं सुण लिया गुस्सा बड़ा कीता, वो बादशाह उहदे सा साडा राज है हाँ जी, वो कहिंदे फट के लियाओ जाओ अपने केस कतल करके थाली च रख के भेज दे, उत्थे केस कतल करके भेज दे। माता ने कहा मेरे मत्थे ना, फिर भुखा मरन लगा आया, फिर छेवें पातशाह शास्त्र मारन दिते सी, वो पहनण लग पे मारे कहिंदे धात वाले, फिर माता नूं कटार लग पे। फिर माता कहन लगी हुण महाराज ने मैनू कहा सी मैं मन्नी नहीं, तू ओह कम करन लग पिया। फिर बस वो बेनवा फकीर सी, वो नहाउणा पैसा मंगना जहाँ तक जाऊँगा ना, वो कह जी गया एक दिन कहते हूँ गलो नहीं लगा, वो जंगल मार के उधर खूह छोड़ता, वो कट्ठे हो गए बादशाह को पिटे, फिर एक बकरियां चारदा उन किते दसता भी मैनू मार ना देन मेरा दस्यो या खूह सिटे बस। फिर फौज चढ़ाती युद्ध जंग किया, बाकी तो सारे लड़के शहीद हो गए, इनू नहीं फट लिया, फिर बहुत बुरी हालत ना मारे, क्योंकि वो जिहड़ा ब्रह्म पुणा सी कैम नहीं रहा। क्यों जे तो माता जी कसोटी से पूरा उतरदा बचन च रहिंदा आशीर्वाद लैंदा, फिर तो बख्शिश हो जानी सी,
वह तो फिर तो माता ने ही कटारा दिखा लग पाया मैं ये रोकती है मेरी चढ़ती गला बर्दाश्त नहीं करती। अजक भी इस तरह ही घर जाल वाले उस तरह के अखबार पढ़ो किस तरह का है। कहिंदे जिहड़ा भी बचन विच आउंदा सो सिख सखा बंध पै पाई ये गुर के भाणे विच आ गया अपन भाणा जो चले पाई बिछड़ चोटा खा गया। चोटा क्यों खा रहे हैं? गुरु के असूल नालों बिछड़ गए टुट गए आपो अपनी डोगडगी खड़कानी शुरू करती जो मारे दी मर्यादा सी उन्हों छड़न छड़ाउन करके दुख भोग रहे जेडे अज भी मर्यादा रेंदे है महाराज की पारस कला अज भी वरत रही है महाराज गए थोड़ी हाजर नाजरी है सदा वास्ते। ब्रह्म बिंद है जेड़ा ब्रह्म बिंद है जान लैंदा है तो इसका ब्रह्म त्रै उसका ब्रह्म पुणा कैम रहा वह फिर संकटा च दुखा च घबरा नहीं बिरती एक रस रही है क्यों रही है ये बल किमें आ जाता महाराज आप ही दस दे एक शब्द एक जड़ा शब्द है और शब्द ब्रह्म उस परमात्मा में उन्होंने चित की बिरती लगी है आरा फिर रहा शरीर का दुफाड़ हो गया चित की बिरती दुफाड़ शरीर दुफाड़ हो गया दुफाड़ भी बाणी चली जाती उधर भी उ पौड़ी है तो उधर भी उ कमाल है धन सच्चे पातशाह आपियां ते आप दे सिख है एक शब्द न लिब लगी हुई हुण आपां अपने मनां नाल झात मार के देख लियो आपो अपना ज्ञान हर बंदे नूं आप ज़्यादा हुंदा दूजे नाल बिरती लिब लगी है कि नहीं पर ये माया जित हर विसरै मोह पजै भाव दूजा लै माया की करदी है वो पैदा कर देंगी लिब टुट जाती है लिब छुड़की लगी त्रिसना माया अमर बरताया अपना हुक्म चलाई जाती है। इस वास्ते उन्हां दी लिब लगी हुई है एक रस जिमें तेल की धार टुटदी नहीं ना ऐ उन्हां दी बिरती जुड़ी है शब्द द्वारा परमात्मा ना किन्ना दुख संकट आ जाए वो आनंद स्वरूप चाहिए जिन्हां च ऐसी अवस्था आ जाती ना अरिधियां सिद्धियां ने लोग भटकते फिरते है कहिंदे नव निधि नौ निधियां अठारह सिद्धियां निधां हुंदियां कि आ हीरे पन्ने मोती ये चीज़ां हो जाणी रिद्ध हुंदी है थोड़ा लंगर तैयार हो प्रताप जो मुकना है तो सिद्धि होंगी को आत्मक रूहानी वाल आ जाना इस वास्ते कहिंदे अठारह सिद्धियां नौ निधियां अठारह है सिद्धि सिद्धियां पिछे लगियां फिर लोग तो इन्हों लजते फिरते ना वो गुरसिख दे मगर फिरते महाराज दे भाई गड़िया जी सिख सके गुजरात ते शाह दौला वो भी चंगा मनिया फकीर सी कहिंदे तू गुरु दा सिख है टुटा जा छित्र पाई फिर धूड़ उड़दी पास्तर भी हो जाए कहिंदे मेरे को आवें इस कहिंदे अच्छा जेल्ले उन्हें पहाड़ दा देखा सारा सोने का दखालता चल नहीं डिग पिया कहिंदे तेरे इन्नी बरकत है तू इवें किवें रह रहा कहिंदे साडे गुरु ने कहा यह सारा कुछ पा के हजम करना जजब कर दिखावा नहीं उतों पे शाह दौला उन्हां दी संगत करके छेवें पातशाह का सेवक बनया जदों आ गया ना पुत्र की फकीर की इसत्री की फलाना मीरी की पीरी की मारन के उत्तर दिते औरतां मान आ पुत्र निशान आ दौलत गजरान आ फकीर ना हिंदू ना मुसलमान आ एक मीरी दी एक पीरी दी एक गौगरी रोकिया कि जरवाने की भुख ये उत्तर दिते नव निधि अठारह है सिद्धि
पिछे लगी आ फिर उन्होंने पिछे लगिया फिर दास बन के जो हर हिरदा सदा वसाए कि जेड़े परमेशर दे नाम नू सदा वास्ते अपने हिरदे च वसा लेंगे जिमें लंका फतेह की ना भविखण ने महाराज श्री राम जी माला भेट की उन्हें सीता ने दी सीता ने हनुमान नू मेरी इन मदद बहुत की ते हनुमान नू मन के भन के देखने लग पे वो माता जी कहिंदे अप्पू किड्डी कीमती तू भन्नी जन कहिंदे मैं देखदा पी दे च नाम हैगा कि एवं पत्थर पाई फिर गल च माता जी कहिंदे तेरे हिरदे च हैगा हुण कालजा पाड़े कहिंदे देख हिरदे च दिखा दो कहिंदे जिहड़े हिरदे च सदा बसा लैंदे ना उन्हां दे मगरे चीज़ां तुरियां फिरदियां बरकत सारी उन्हां दे अगे पिछे रहिंदी है पर कहिंदे जिहड़ा नाम जिहनूं कहिंदे हिरदे च वसाउणा वह नाम मिलदा कित्थों ये दुकानां तों चीज़ मिलण वाली नहीं बाकी तां माया दित्ती सौदा खरीद लिया बिन सतगुर नाव ना पाई बिना सतगुरु तो नाम नहीं पाया अजकल भी बहुत चलता फलाने थों तो नाम लिया नामदान लिया अखर तो कोई चरखा कुत्तण वाली कुड़ी भी सुना दूगी पर नाम की बरकत पूरा गुरु दे सकता अखर सुन लेना ही नाम नहीं लेना जड़ी नाम की बरकत है वह पूरे गुरु बिना नहीं मिलती अधूरा नहीं दे उमें कन्ना पाटी कुरता जड़ा मर्जी करी बरकत नहीं बरकत पूरा गुरु दो जिदे को बरकत हो दूगा दूआ कितों दे दूगा बिन सतगुर नाव ना पाए बिना सतगुरां ते नाम की बरकत नहीं प्राप्त होती बुझो हो कर विचार कहिंदे विचार करके इस गल नूं बुझ लो ते हुण आ जिहड़े सिद्ध सी गोरख दे चेले थोड़ी थोड़ियाँ सीधियाँ आ गई थोड़ी फूं फूं करते महाराज नाम भी विवाद होए शिकायत खाते रहे ये अचल बटाले उत्थे अग कढ कढ के सप्प बन बन ठूहे बन बन महाराज कहिंदे जे सीधी पा के सप्प ठूहे बनो तो अगे बथेरे तुरे फिरते ये तो कोई बरकत नहीं फिर आ गए जी तुसी लोग जो असी लोग दे महाराज दे महाराज ने तत्ता तत्त जोत 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 मलाई कितों लजन ए फिरन लगे महाराज ने खड़ाम छड़ती टोटर च मार मार सारे ला लिया उत्थे फिर गया ने भांडा तो बैस धूप देव तो दूध है को जावो कहिंदे तुहाडी मां कचजी है भांडा साफ नहीं किया दुध का चाटा जड़ा ही फुट गया अनाधिकारी सी आ छोटिया छोटिया सीधियां पा के किमें ड्रामेबाजी करते हैं जे सीधी सी जां तां बाबर की तोप का मूँह बंद कर देंदे फिर तो भर पकार हो जाता उधर तक गए नहीं क्या लोगों नाटकियां चिटकियां दिखाते रहे पूजा वास्ते उहदी तोप का मूँह बंद कर दें फिर तो असी लवे हाँ भाई कोई जुलम तो रोकया ना अपनी करामात कोई मुगल ना अंधा हुआ कि इन्हें ना परचा लाया वो तो गल की सो इस वास्ते महाराज कहते बुझो हो कर विचार विचार करके सियाने पुरशां इस अध्यात्म तत्त नूं बुझणा करो नानक पूरा भाग सतगुर मिले कल बेर साहब भी कथा दस्या सी वो कहिंदे जी पूरे गुरु की गल आ कि किवें संत मेहर सुनो कहिंदे तुसीं दस्सो वो कहिंदे भी जे जेब छुण दो पैसे है दो पैसे सौदा सौ सौ जे शरदा तुहाडी टके दी तां गुरु भी तुहानूं टके दे मिलना ते जे शरदा भाई बाले मरदाने वाली फिर गुरु नानक पातशाह मिलने ते इस तरह ही है ना नानक पूरा भाग सतगुरु मिले भाग पूरे होण श्रेष्ठ होण फिर पूरा सतगुरु मिले नहीं तो अधूरियां को अधूरी दुनिया तुरी फिरती
सुख पाए जो विचार। ये पूरा गुरु मिल जाए ना भाग पूरे बन जाए। एक दो दिन की गल तो छोड़ो, पे महीने ते सगरान दा सुनया पे महीना सुख दा। कहंदे चौहां युगां च सुख, चाहे सतयुग आ, त्रेता आ, द्वापर, कोई युग आ, कलयुग आ, कलयुग का भी उन्होंने प्रभाव नहीं पैंदा। चौहां युगां च उन्होंने सुख मिलता। महला तीजे अगे अर्थ का होर खुलासा कर दे महाराज। क्या गभरू क्या बिरद है, मनमुख तृष्णा भुख न जाए। कहंदे इत्थे गभरू नौजवान की गल नहीं, बिरद की गल नहीं। जड़ा बंदा मनमुख है ना, उहदे अंदर माया पदार्थां की जिहड़ी तृष्णा आ वह भुख जाती। कोट जोरे लाख करोरे माना होरे परे परे बोलू जी। उस सिकंदर ने दुनिया जित ली, फिर समुद्र किनारे चल गया। कमान ते रख तीर सिन लिया, वरण देवते तू मेरी छानी भर। उन मारी छल, हीरे मोती सुट दिते। कहन लगा उन भांडा भी दे। दुई छल आ गई, बेड़ी आ गई। कहंदे तां छोटी है, कहंदे इहनू भर ला। जिले वह नौकर चाकर ला के भरन लगा, वो भरे ना। कहंदे भरती नहीं। कहंदे इह तां भर गई, तेरा ढिड नहीं भरना। गज के बोलो, बंदे की तृष्णा नहीं मिटती। गांह ते गांह तृष्णा का आखिरी अर्थ है तृष्णा, जिहड़ी प्यास बुझे ही ना उहदा ना तृष्णा। जे संधि छेद करिए, मनमुख जिहड़े मनमुख बंदे आ, चाहे बुढ़े आ चाहे जवान आ, उहनां दी तृष्णा नहीं वध जांदी, भुख जांदी। हुण अज भी इह ही आ। इत्थों इटली चल जाइए, उत्थों अमरीका चल जाऊंगा, उत्थों जी फिर कंध टप्पांगे नहर, उत्थों फिर है चल जाऊंगे। भटकना लगी हो इंसान। चलो जी हुण इंग्लैंड, कनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। वो न्यूजीलैंड वाले कहंदे इत्थे भी काम नहीं बनया। हुण गांह तां समुद्र है, नॉर्थ पोल आ, फिर तां समुद्र छाल मारो, होर फिर की करना। गाह पर धरती मुक जाती है, वो तो बर्फ पई है, धुंध गुबार पिया रहा है जी। सो इस वास्ते तृष्णा भुख नहीं। जा के उत्थे छेर आ चिट्टे रंग, चलो इन्नी बर्फ च रहा, उतों ही बर्फ पुट के मछी मुछी खा छड़ा। जल्द ज़्यादा तृष्णा वो पे है, वो जहाँ दे दूगा, और फिर की है। वो इस तरह ही भटकना लगी हुई आ। जिन्हें अजक मुंडे कुड़ियाँ इन्हों का राष्ट्र ना देश ना दा कोई प्यार ही नहीं रह गया। एक पासे गल्लां खालसा राज दियां करी जांदे, जिथे राज करना वो देश छड्ड के दुबार दौड़ी जांदे। ये खाली हो के लोगों नूं संभाली जांदे। असली जिहड़ा सी ओह मुसलमान लै गया रावी तो पार पंजाब। एहदे इन्हां चौधरियों ने तीन टुकड़े करा लिया, मोर्चे ये लाते रहे, हरियाणा हिमाचल मुफ्त लै गए। हूँ आ जड़ा इनू छड़ छड़ बहर जाई जाते, इतने दुए आई जाते हैं, ना वोटा ना मिले ना दुई तरह मिले, आबादी दुए की बधी जाती, भटकना लगी हुई। तो जड़ी धरती की गल करते हैं वो तो तुम अपने हथी थाली पा के दुए दे जाने, फिर कितने राज करना। वो तृष्णा लगी है। अगे तो उन्होंने राज सी ना, वो डंडे ना टैक्स ला के मार जाते, हूँ लखा रुपए उन्होंने उत्थे बैठे बिठाई दे जाने। अमरीका का हूँ करोड़ हो गया, 40 लाख भेजो सही, जिमें भी है। इस तरह ही ये भटकना लगी हुई है राष्ट्र की, देश की। यह गुरु के निशान धाम की, बुढ़े बुढ़ियों का भी कोई सेवा वाला नहीं। ये भटकना इन्नी लगी हुई है इस वेले जीवन। मनमुखपुना आ गया, गुरमुखपुना चल गया। जिथे गुरमुखपुना सी भगत रविदास जुतियां गंढदा आनंद लग गया, कबीर खड्डी बुणदा आनंद लग गया। लै गया कि नहीं, नामा लोगों के कपड़े धोंदा आनंद लग गया। पर आनंद आनंद सब को कह, आनंद गुरु ते जाने तो गुरु तो जाने जाता।
ये माया पदार्थ हाँ जी सुखना ही बहुत देश कमाए बहुत देशों घूमन उत्थे भी फोन आते महाराज घर वाला शराब पी जाता कुट मार करता मैं अगे तो बड़ा ही अमरीका जाना हूँ अमरीका भी रोई जाने हूँ तू चुप कौन कराए इन्हों की हालत यह बनी हो ना वो बच्चा बड़ा रो रहा सी अकबर कहता बीरबल तू मिनिस्टर आ बच्चे चुप नहीं करा कहते महाराज ये चुप नहीं कर देंगे कहते क्यों कहते महाराज ये कहता आप मैं कुजा लै दे कहते फिर कुजा कि गल है घुम्यार तो लै दे कुजा लैता मिनट चुप हो फिर उतें कोई हाथी आ गया है वो फिर कहते क्यों रोंदा कहता जी हाथी कहते हाथी लै दे फिर माड़ा जो होया कहते हूँ कहते हाथी नू कुजे च पा के दे ना हाथी कुजे च पवे ना ही रोना मुके बस ये संसार का हाल ही हो हिरदे रूपी कुजे च हाथी बढ़ता नहीं ये जरा तृष्णा का भूत बढ़िया होया तो मन में शांति आनी नहीं बिना संतोख भूखा नहीं रज संतोख खत्म हो गया है वो सिख बंद बंद कटेगा खोपरे लगा जरूर ना मास नोचे इन्ने संतोखी उन्होंने सब कुछ देंदे है वो कहते जो गुरु ने देता तुम सू मंग देने की देना महाराज ने तो सब कुछ ही देता कोई भुख छड़ी ही नहीं पर जेड़े मनमुख बन गए मनमुखों का संसार बन गया मनमुख तृष्णा भुख ना जोड़ा मनमुख है वो तृष्णा बद जाती है वो भुख नहीं जाती है गुरमुख शब्द रखे जोड़े गुरमुख आ वो गुरु का शब्द की कमाई करके उस रंग में रंगे गए शीतल होए फिर ठंडा हो गया आप गए आपा भावा कार ही खत्म कर दो महाराज कहते की चाहिए कहते महाराज तुम चाहते बेबे नानकी उन्होंने कोई बच्चा बच्ची नहीं महाराज कहते भैन जी की चाहते कहते तुम मिल गए होर हूँ की चाहिए खुद परमात्मा मैं मिले हुए है मेरे नाता तुम रब भरा का नाता बना के आते मैं होर की मंगना बिन दुद्ध होर जे मंगना सिर दुखों के दुख दे नाम संतोखिया उतरै मन की भुख इस वास्ते शीतल हो गए क्यों आपा भाव गवात अपनी होंद ही खत्म कर दी भटकना ही मुक गई मंगा ही खत्म हो गई मंगना मंगन निका हर जस गुरते मंगना त्यागना त्यागन निका काम करो लोमो त्यागना जागना जागन निका हर कीर्तन संगत में जाके जागना भजन बनी सिलमे जागते नकलों क्लबा पबा जागते डांस घर वो तो जीवन बर्बाद करने वाला जागना जागना जड़ा गुरु की संगत नाम पाणी सेवा सिमरन वास्त अंदर तृप्त संतोखिया जदों संतोख आ गया अंदर तृप्त हो गए रज गए पूरे कोई इच्छा ही नहीं फिर भुख ना लगे आए इन्ने तृप्त हो गए मुड़ के आ गए भुख ही नहीं लगती और सदा वास्ते तृप्त हो गया सदा ले रज गए वो गुरमुख जड़े नानक जे गुरमुख कर है सो परवान वो जड़े गुरमुख जो कर दे ना परवान हो जाए जान का कह दरगाह चले जिमें हूँ एस डी एम ओं तहसील चलता हों डीसी का जिले मिनिस्टर का वाधू जिन्ना जिनी किसी की पावर प्राइम मिनिस्टर देश में प्रेजिडेंट का जोड़ा गुरमुख है ना उदा सच्चे की दरगाह तक चलता भगत का बोलिया परवान जो कह देंगे वो परवान हो जाए एक बंदा सी तो उन्होंने फांसी का हुक्म सुना तो संत बाबा अतर सिंह जी मस्तून आए नौवें पातशाह के सरोवर की दमदमा साहब सेवा कराते वो उत्थे आ गया जल्द उत्थे आया कहते मारा पिया तो मैं फांसी का हुक्म सुना देना कहते जल्द जज को जाएगा ना तू अपना गनाह सचो सच कह दे
वो जलिया गया। जज कहते भी सच दस, फांसी तो सुनानी है, सच बोलेगा तो बरी कर देंगे। उन्हें सुनाता, वो कहते भी एवं तो कोई भी नहीं मानता हूँ कतल करके, भी कौन मानता मैं कतल किया ये किमें। कहते जी बाबा फतर सिंह जी ने कह दिता। कहते अच्छा, उन्होंने महापुरखों ने कहते जे उन्होंने तेन बरी करता मैं उन्हें फांसी की देनी। आ गया कहते महाराज हूँ इतों तो बरी हो गया, रब की दरगाह तो बरी नहीं ना होना। कहते वे सेवा चलती, पांच टोकरियां कर दी सुट दे, आपे गुरु तेग बहादुर कृपा कर। जाका गया दरगाह चले, वो जे महापुरख है ना भगत मुखा ते बोलते से बचन हो बंदे, बचन पूरे हो जाते। नानक जे गुरमुख कर है सो प्रवान, जो गुरमुख कर देंगे ना वो भाने तो उल्ट करते ही नहीं, रजा बच्च रह के बचन करते, वो फिर प्रवान भी हो जाता। असं अपनी मन मर्जी ना करवाना चाहते, कई बार आने बाबा जी एवं कह दौ, मैं क्या तू अपनी जबान साड़ी जबान ते रख के कहो, बचन तेरा पर गल तो यह है भी जो गुरु के हुक्म च हो बचन हो। नानक जे गुरमुख करे, जो गुरमुख करते हैं वो दरगाह च प्रवान, गुरमुख उहदी रजा तो बाहर को गल करते ही नहीं। जो नाम रहे लिवले वो हमेशा नाम ना लिवरती ला के रहेंगे। भाई राम कौर जी ना बाबा बुढ़ा साहब की आंसू लंगर छकते सी, छकी जाते फिर पेटी रखी हुई पर हूँ फिर रज गया, रज गया। हाँ जी, फिर जे प्रेमी ने भोजन छकाया, अज भोजन कहदा छकाया, महाराज इन्हों के नौजवान मुंडा की मौत हो गई सी। अच्छा, इन्हों के फिर मरद ही रहन, उन्होंने रोज मौत ही हो जाते। महाराज भी हूँ किमें हो गए, कहते हूँ कहो भी ब्याह आ, कहते चलो इन्हों के काम ब्याह ही होंगे रहा। कहते नवाब ने उस तो सुनी, वो लुट के को लै गया, वो आया बड़ा श्रद्धालु सी, कहिंदा महाराज बन के वह सारा लिया तुहाडा लुटिया। कहिंदे होर तो कुछ नहीं, साडे बाजां दी डोर हुंदी सी, देख कित्थे बैठे वधे लोग। बाबा गुरबख्श सिंह बाबा बुढ़ा सी, आंसू तीन साल की उम्र ते नौवें पातशाह नूं तिलक लाया इत्थे दमदमे आनंदपुर। तीन साल का बालक गुरु नानक की गद्दी नूं तिलक दे रहा, ये बाबे बुढ़े का सत्कार है। उन्होंने अंश बंश ब्रह्म ज्ञानी सारे दया लो। कहते भी बाबा जी जेले जाते ना घोड़ी से एक ही पासे चरण लटकाए होंगे, बहुत तेज तरार घोड़ी जी चंगे सवार ना बहन दे, क्योंकि जेडे घोड़े भी बड़े हार है, माड़ा भी सट के दौड़ जाते, बहुत हार है, कि भार चके राजी है। सियाणा सवार काबू करता वह जन, ताजन तुरी चंगेरी जड़ी वो भेजी, उमें दुड़ाई तुरे जाओ बदे लोग। इस वास्ते जड़े ऐसे महापुरख है उन्होंने गल करते, उन्होंने लिब जड़ी है वह हर वेले मारे न लगी रही पौड़ी। हूँ महाराज इन्हों पुरशां का किन्ना सत्कार देंदे, होम बलिहारी तीन कौ इत्थे कक्के ते भी टिप्पी है, इस करके फिर कौ नहीं कौ बन जाऊ। कहंदे असीं उन्हां तों बलिहार जांदे हाँ जो गुरमुख सिखा, जड़े गुरमुख सिख गुरु की सिख्या धारण करके सिख बने। एक तो सिखां दे घर जा पिया ना मैं सिखिया, चाहे वह शराब पी जाता चिट्टे का धुआं ले जाता मूँह सिर मुन्ने वह भी कहता मैं सिख, सिख तो भी वो ही है जो गुरु की सिक्ख्या लैके सिक्ख्या के अनुकूल जीवन बनाया, वो सिख है गुरमुख सिखा। जड़े गुरमुख सिख है मनमुख भी कहा जाते, सिख सिख तो वह है जो गुरमुख है गुरु के मुख तो सिक्ख्या सुन के सिक्ख्या के अनुकूल जन जीवन बना लिया, वो सिख है।
ਉਹਦਾ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵਹੀਆਂ, ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੜੇ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਟੁੱਡੇ ਦੀ ਜਗ ਸਵਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਗਿਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਣੀ 'ਚ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੀਂ ਆਟਾ ਪੀਹੋ, ਹੱਥੀਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਤੋਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਬਾਟ, ਬਸ ਫਿਰ ਪੌਣ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਰਾਮਗੜ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼। ਮਾਤਾ ਉਡੀਕਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਣੀ 'ਚ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿੱਖ ਖਾਟੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੁਖਮਣੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਭਿੱਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਜਾਣ। ਸੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰੀਜਾ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਮੈਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਲਿਖਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੰਦੀਆਂ ਅਵਾਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰੀਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਠਤ ਬੈਠੇ ਸੋਭਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਦਕਾ, ਮੈਸੀ ਵਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਸਲੋਤਾ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੰਗ ਸਿਉਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਰਿਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਰੇਖਾ ਮੈਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹਨੇਰਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਧੰਨ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਪਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮਾਵਾਦ 'ਚ, ਦੂਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਸ ਕੇ। ਧੰਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰ ਥਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਥਾਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਣ ਹੀ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਧਰੇ ਬਿਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਬਿਖਾ ਚਰਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਧਰਤੀ ਸ਼ਿਗਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਮਨਮੁਖ ਮੂਲ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਧਾਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਏ ਬਖੇੜੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਏਕਤਾ ਉਤਪਾਕ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।